हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल्स परचेज रिपोर्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं। सेल्स परचेज रिपोर्ट से आप मंथ वाइज या क्वार्टरली डे बुक वाइज वैल्यू देख सकते हैं और अगर जीपी परसेंटेज डालें तो उसके हिसाब से क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, सेल्स परचेज रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट क्राइटेरिया फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सभी डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। व्यू, जिस व्यू वाइज रिपोर्ट देखनी हो वो ऑप्शन को यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट डेट, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की रिपोर्ट व्यू करनी हो वो डेट यहाँ सेट कर देनी है। नेक्स्ट डे बुक, यहाँ पे F4 की प्रेस करके जिस डे बुक की रिपोर्ट व्यू करनी हो उसे लिस्ट में से टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट टाइप, यहाँ पे इन्वेंट्री या नॉन इन्वेंट्री जिसकी रिपोर्ट व्यू करनी हो वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट बिल टर्म, अगर सभी बिल टर्म्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अदरवाइज यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करके लिस्ट में से बिल टर्म्स को टिक करके सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जीपी परसेंटेज, यहाँ आप ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंट बैलेंस, अगर रिपोर्ट में फाइनल बैलेंस का कॉलम चाहिए हो तो यहाँ टिक कर देना है। नेक्स्ट प्रिंट बैलेंस क्वान्टिटी, अगर रिपोर्ट में बैलेंस क्वान्टिटी का कॉलम चाहिए हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट सेल टोटल, अगर रिपोर्ट में टोटल सेल्स का कॉलम चाहिए हो तो यहाँ पे टिक कर देना है। परचेज टोटल, अगर रिपोर्ट में टोटल परचेजेस का कॉलम चाहिए हो तो यहाँ टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वांटिटी, यहाँ लिस्ट में से जो क्वांटिटी रिपोर्ट में व्यू करनी हो वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कंसिडर एडलेस, अगर बिल टर्म्स की जो वैल्यू है उसे अमाउंट में कंसिडर करना है तो यहाँ पे टिक कर देना है। सभी डिटेल सेट करने के बाद अगर हमें ये सभी क्राइटेरिया को सेव करना हो तो यहाँ सेव क्राइटेरिया पे टिक कर देना है, जिससे नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो ये क्राइटेरिया एज इट इज सिलेक्टेड रहेगा, जैसे अभी सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ शो बटन पे क्लिक कर देंगे, रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पे आप मंथ वाइज टोटल सेल्स, परचेजेस और फाइनल बैलेंस को व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एस्केप कर रहे हैं और अब यहाँ जीपी परसेंटेज में 10% एंटर करके फिर से रिपोर्ट को व्यू कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज एंटर करने से आपको कितनी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू सेट करनी है वो व्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट आ गई है, हमने जीपी परसेंटेज में 10 एंटर किया है तो यहाँ पे जीपी में 10% के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी और यहाँ बैलेंस के कॉलम में वो वैल्यू ऐड होके आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट में कॉलम्स को ऐड या लेस करना हो तो यहाँ कस्टमाइज बटन पर क्लिक कर देना है। रिपोर्ट को कस्टमाइज कैसे करें उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ प्रिंट आइकन पे क्लिक कर देना, रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से हम रैडिक्स में सेल्स परचेज रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।